Hello guys, this is Chandrashekhar Pandey from IIT BHU and you are watching New Era Education Hub. Today I will be talking about the most frequently asked question for IIT JEE aspirants, that is, which books I should refer for IIT JEE. Basically I will be talking about the chemistry part. For physics and mathematics, video will be soon uploaded. Okay, giving you a little bit introduction that why this is the most frequently asked question of IIT JEE. You know, whenever you start any exam, the books are the base of your exam. The kind of books you refer, the kind of marks you get. So this should be a frequently asked question, and I'm happy that people are asking me such questions. And you know, I thought that rather than answering you all, I should make a video on this. And in this video, I have explained all the details of that book. You know, why you should refer that book, for concepts which book you should refer, and for practical aspects. You know, you are giving IIT JEE exams, and finally you have to face questions. So for solving questions, which books are better, I have discussed all the parts. Okay, we will be talking about the books separately, like physical chemistry, organic chemistry, inorganic chemistry. Organic chemistry is the most vast part, and I will discuss in very much detail. For physical and inorganic chemistry, since they are their basics are only in our syllabus. In inorganic chemistry, we have to remember many things. We have to remember reactions, and in physical chemistry, we have to remember some formulae that are fundamental in nature, and they are not very difficult to remember. So let's begin with the physical chemistry. Okay, from now मैं videos जो है हिंदी में continue करूँगा, क्योंकि इंडिया में कई part ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक लोगों को इंग्लिश बोलना या वो अच्छे समझ नहीं पाते हैं, तो वो जनता भी समझ पाए, इसलिए मैं आगे की वीडियो हिंदी में continue करूँगा. I prepared a list for physical chemistry books, so I'll just read from the list. और मैं पढ़ने के साथ साथ आपको इसका डिस्क्रिप्शन भी देता रहूँगा पूरा, कि आपको ये बुक से कौन सा पार्ट पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है. तो फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सबसे पहली किताब मैं रेकमेंड करूँगा, दैट इज़ OP टंडन. ये इसको पब्लिश GR मतलब पब्लिकेशन करते हैं, और ये बुक थ्योरी के लिए एक अच्छी बुक है. थ्योरी के लिए वैसे तो बात करूँ तो NCERT की जितनी भी किताबें हैं या आपकी रिस्पेक्टिव बोर्ड्स की जितनी भी किताबें हैं, आपको रेफर करनी करनी है. इनकेस अगर आप CBSE बोर्ड के अलावा किसी और बोर्ड के होते हैं, तो आपको NCERT खरीदनी मैंडेटरी है. बिकॉज NCERT के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि NCERT आर द बाइबल ऑफ IIT JEE केमिस्ट्री. अगर ऐसा कभी हो जाता है कि डिबेट हो गया, मान लीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर NCERT में कुछ अलग गिवन है और रॉ फैक्ट उसका कुछ और है, मतलब असलियत में कुछ और होता है, तो जो केमिस्ट्री NCERT में जो लिखा हुआ है उसी को IIT JEE अपनी आंसर की में डलेगा. और ऐसा कई बार हो चुका है प्रीवियसली मेंस में कि फैक्ट कुछ और था और NCERT में कुछ और गिवन था. सो एक्चुअली NCERT गलत नहीं है, लेकिन कभी कभार सर्कमस्टांसेस ऐसे आ जाते हैं कि वो रिएक्शन पर्टिकुलर गलत हो गया, तो उस टाइम पे जो है NCERT को बेस मान के उसी से आंसर लिया जाता है. दैट्स वाई NCERT इज ए मस्ट, सबके पास होनी चाहिए. लेकिन बात यह है कि NCERT जो है ना, एक फंडामेंटल बुक की तरह है. मैं इस बात को पहले ही डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि बार बार NCERT रेकमेंड करना सही नहीं रहेगा. कि NCERT जो होता है ना, आपका फंडामेंटल बिल्ड कर देगा. ठीक है, आपको IIT JEE केमिस्ट्री का लगभग 60% स्कोरिंग पार्ट जो है NCERT से आ जाएगा. लेकिन उसके आगे क्या, आपको थोड़े और, मान लीजिए आपको फंडामेंटल सीखने का मन है, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स आपको थोड़ा और अच्छे से समझना है, तो ऐसे टाइम पे जो दूसरी बुक होती हैं, जो दूसरी पब्लिकेशन की बुक्स होती हैं, ये इसी चीज़ पर वर्क करते हैं. दैट्स वाई रिकमेंडेड रहती हैं. वैसे तो कई सारी किताबें फिजिकल केमिस्ट्री की, देयर आर न्यूमरस, बहुत सारी किताबें, भर भर की किताबें. लेकिन जो किताबें मैंने पढ़ी हैं, दैट्स वाई मैं यहाँ पे आपको पर्सनली वही रिकमेंड कर रहा हूँ जो मैंने पढ़ी हैं, उन्हीं को रिकमेंड करूँगा. बाकी अगर आप चाहें तो अपने टीचर से भी बात कर सकते हैं, हम कौन सी किताबें पढ़ें, कौन सी किताबें नहीं पढ़ें. तो फिजिकल केमिस्ट्री भाई OP टंडन, मैं कहूँगा आपसे थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों करें. न्यूमेरिकल्स के लिए जिनको बहुत मतलब OP टंडन ईजी लगती है, वो चाहे तो RC मुखर्जी सॉल्व कर सकते हैं. और RC मुखर्जी की प्रीक्वेस्टिक ये है कि उसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस इन्वॉल्व रहती हैं. सो अगर आप अपने साथ एक कैलकुलेटर रखना चाहें तो रख सकते हैं, बिकॉज नो सम टाइम हो जाता है कि कैलकुलेशन ना आपका टाइम बहुत खा जाता है, तो वो आपकी इंप्रूवमेंट होगी उससे. लेकिन मान लीजिए आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, आप ऐसा मानते हैं, देन मैं रिकमेंड करूँगा आप कैलकुलेटर ज़रूर रखें अपने साथ और कैलकुलेटर से सॉल्व करें. ओके, NCERT की खास बात ये है कि उसका NCERT की फिजिकल केमिस्ट्री की खास बात ये है कि उसके हर एक टॉपिक लगभग इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से. जो थोड़ा बहुत डिपेंडेंसी आती है वो भी रॉ फैक्ट्स पर आती है. जैसे जो सॉलिड स्टेट चैप्टर होता है, वहाँ पे कुछ कुछ जो फैक्ट्स हैं आगे वो थर्मोडायनेमिक्स से बेस्ड है, थर्मोडायनेमिक्स से एक्सप्लेन किए गए हैं, तो उन पॉइंट में आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है. तो इन सब जो मान लीजिए आपने सॉलिड स्टेट डायरेक्ट पढ़ना शुरू किया, तो हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो. तो इस केस में क्या रिकमेंडेड है, इस केस में मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप जो है एनसीईआरटी की बुक का जो ऑर्डर है उसको फॉलो करें, दैट इज़ द बेस्ट ऑर्डर। और मैंने भी उसी ऑर्डर में पढ़ाई की थी और मुझे उससे डेफिनेटली बेनिफिट हुआ था। और फिजिकल केमिस्ट्री लाइक ऐसा होता है कि आप उससे पूरी ज़िंदगी भर याद रखते हैं, वो एक फॉर्मूला ही नहीं है, उसको आपको बेसिक से पूरा डिराइव करवाया हुआ है, उसके बाद का आपको क्या होता है उसमें पूरा बताया। और आप जो बेसिक याद रख लेंगे तो आगे के जो डेराइव फॉर्मूले होते हैं वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। केमिकल इक्वेशन आप पढ़ेंगे, उसमें कई फॉर्मूले हैं आपको याद रखने पड़ेंगे आईनीट में, तो ये सब जो फंडामेंटल्स है उस टाइम पे काम आएंगे। सो दिस मच इज फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, लेट्स मूव ऑन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द मोस्ट वास्ट पार्ट। ओके, इन केस अगर जो नए बच्चे हैं जो IIT JEE प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उनको मैं क्या बीच में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स के बारे में, तो वो जनरली अननोन होंगे उस बारे में, तो उस टाइम पे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उन बातों को जस्ट सुन लें, इस वीडियो को बंद ना करें, क्योंकि आगे का जो पार्ट है वो आपके काम का ही है। वो बीच में मैं अपने हल्के एक्सपीरियंस शेयर करता रहता हूँ, ताकि अगर इनकेस अगर 11वीं का मिड हो चुका है आपका और आप जस्ट 12वीं में जाने वाले हैं, आपके एग्ज़ाम आएंगे अभी फरवरी मार्च में, तो उन बच्चों को अगर क्या होता है वो पढ़ चुके होते हैं, तो उन बच्चों को अगर ये वीडियो देखनी है कि हम कौन सी बुक रेफ़र करें, क्योंकि बुक चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो देखने के बाद आपको बुक चेंज कर लेनी चाहिए तो आप ज़रूर करेंगे, तो उस केस में क्या होगा आपकी भी हेल्प हो जाएगी। सो फर्दर वीडियो में मैं एक चीज़ का ध्यान रखूँगी कि मैं ज़्यादा रॉ फैक्ट्स के बारे में बात ना करूँ, क्योंकि उससे जो नए बच्चे हैं उनको दिक्कत हो सकती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको पढ़नी है वो तो NCERT है ही, क्योंकि NCERT मैंने आपको बताया बाइबल है, जब उसको रेड डालोगे तो बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे IIT JEE में। लेकिन आगे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खास बात यह है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन बेस्ड है पूरा, लेकिन इन रिएक्शंस को समझने के लिए कुछ लॉजिक प्रिपेयर किया हमारे साइंटिस्ट ने, इनके बारे में पढ़ा, इनके बारे में स्टडी की, तो फाइनली ये निकला कि हम इनको लॉजिकली पढ़ सकते हैं, जो रिएक्शन होते हैं उसका प्रोडक्ट क्या होगा हम गैस मार सकते हैं। तो यही गैस का जो मैकेनिज्म होते हैं वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो रिकमेंड जो करने वाला हूँ NCERT है। सेकेंड थिंग मैं जो रिकमेंड करूँगा वो है आपका स्टडी मटेरियल। आपको आपके रिस्पेक्टिव कोचिंग में जो स्टडी मटेरियल देते हैं आप उससे पढ़ें, क्योंकि हर कोचिंग चाहती है कि हमारे बच्चे अच्छा करें। इन केस आपको लगता है कि हमारा कोचिंग अच्छा नहीं कर पा रहा है तो मैं कहूँगा कि आप दूसरी बुक्स रेफ़र करें, जैसे मॉरिसन बॉयड है। मॉरिसन बॉयड जब आप रेफ़र करेंगे एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि मॉरिसन बॉयड किसी इंडियन ऑथर के दोबारा पब्लिश ना की गई हो, क्योंकि मैंने देखा है जैसे JD Lee किताब है उसको किसी इंडियन ऑथर ने अपने हिसाब से तैयार किया, उसमें जो फैक्ट्स हैं उनको हटा दिया, इसको इधर कर दिया, उसको इधर कर दिया, उससे क्या होता है जो बुक का जो रॉ फील होता है ना वो पूरा हट जाता है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर मॉरिसन बॉयड पढ़नी है तो ओरिजिनल मॉरिसन बॉयड पढ़ें, और IIT JEE का सिलेबस ज़रूर डाउनलोड कर लेंगे क्योंकि आपको एग्ज़ाम जो देना है वो IIT JEE का ही है। और इससे फ़ायदा ये होगा कि आप मॉरिसन बॉयड में सिलेक्टेड टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं IIT JEE के सिलेबस में आप वही पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्योंकि बहुत वास्ट है, मॉरिसन बॉयड बहुत बड़ी बुक है, आप पूरा अगर पढ़ लेंगे तो आप देवता समान है, लेकिन क्योंकि सब देवता समान नहीं होते तो आपको सिर्फ सिलेबस की चीज़ें पढ़नी है। तो फर्स्ट थिंग आप वीडियो में देख रहे हैं तो यही कीजिए कि IIT JEE का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, और इनकेस अगर आप रेफ़र करते हैं बुक्स और जो उसमें गिवन है उन्हीं को रेफ़र कीजिएगा। ओके, अगर आप वीडियोज़ को रेफ़र करना चाहते हैं, YouTube पे वीडियोज़ वगैरह देखना चाहते हैं, वैसे तो बहुत जल्द हमारे चैनल पे कोर्स कंटेंट की वीडियो आ जाएंगी, मैं इसी प्रोसेस में हूँ, मैं रिकॉर्ड करता रहता हूँ पूरा दिन इन्हीं चीज़ों को। बहुत जल्दी आपके लिए हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस हैं उन पे बेस्ड यहाँ पे वीडियोज़ आ जाएंगी, तो इन दैट केस आप वीडियोज़ को ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं, एटलीस्ट मैं ऐसा कह रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं किसी और कोचिंग के वीडियोस देखना चाहते हैं, कहीं से मटेरियल ले रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप रिएक्शन मैकेनिज्म और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ें, उसके बाद आप ऑर्गेनिक का कोई भी पार्ट पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो है पिलर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये पिलर बन गया, उसके बाद बिल्डिंग आप कहीं से भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग मैं जो रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मुझे याद है फर्स्ट ईयर में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय पौला एंड डी ब्रूस, ये किताब है फॉरेन ऑथर की जो हमने इंजीनियरिंग में आके पढ़ी थी। ये एकदम रॉ किताब है, इसमें एकदम स्टार्टिंग से समझाया हुआ है पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, हाइड्रोकार्बन, ये सब काफ़ी अच्छे डिटेल में समझाया हुआ है। तो इनकेस अगर आप बहुत स्टूडियस बच्चे हैं, आपको और ज़्यादा पढ़ने का मन होता है तो आप इस बुक को कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपने थ्योरी तो पढ़ ली लेकिन आपको करना क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करने, तो क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट थिंग एज सिंपल, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो NCERT और NCERT एग्जाम्पलर मैं दोबारा कहूँगा एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये दो किताब है, ज़रूर खरीदें और इनको ज़रूर सॉल्व करें क्योंकि बहुत अच्छी किताब है, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये बहुत ही अच्छी किताबें हैं। जो इनके बैक एक्सरसाइज रहती हैं ये काफ़ी अच्छी हैं और लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आपके आईआईटी जेईई में रिपीट होके आते हैं क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बेस्ड है वो रॉ फैक्ट्स पर बेस्ड है। आप मतलब आप ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोडियम को पोटेशियम को मिला के सोडियम क्लोराइड बना दोगे, ये पॉसिबल नहीं, नेचर के लॉ होते हैं, जो रिएक्शन है वही होगा, जो सच होता है वही आपको लिखना होता है पेपर में इनऑर्गेनिक के केस में। वैसे तो मैं ऑर्गेनिक के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं इनऑर्गेनिक चलेगा। तो आप क्या करेंगे, एक किताब है हिमांशु पांडे, हिमांशु पांडे ने उसको किताब को लिखा है, आप वो फॉलो कर सकते, उस किताब को फॉलो कर सकते हैं। उसमें आपको क्वेश्चंस तब तक करने हैं जब तक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर ना हो जाए लगभग पूरी, और उसके बाद एज यूजुअल आपको आईआईटी जेईई का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है क्योंकि क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो जितने बच्चे मुझसे बारहवीं के, जो लगभग बारहवीं के मिड में हैं अभी बोर्ड्स देने वाले हैं, उन वो मुझसे पूछते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी भी नहीं आती तो हम क्या करें, तो उनके लिए मैं यही कहता हूँ कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है आईआईटी जेईई के क्वेश्चन बैंक से समझें आपने, क्योंकि लगभग पढ़ ही लिया होता है, बस आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे होते। तो ये तो था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। लेट्स मूव ऑन टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो यहाँ तक पेशेंस रखिए क्योंकि आपको लग रहा होगा भले वीडियो थोड़ी लंबी है, 15-20 मिनट की वीडियो है, हम पूरा कैसे देखें, तो ये वीडियो 15-20 मिनट बनाने का मकसद यही है कि आप पूरा समझ पाएँ कि मैं ये किताब क्यों चूज़ कर रहा हूँ और मेरे एक्सपीरियंस में आपसे शेयर कर पाऊँ बेसिकली मैं, क्योंकि चाहता हूँ कि मेरा पूरा एक्सपीरियंस आपको मिल जाए ताकि आप टेक्स्ट बुक रेफर करें और मुझसे अच्छी रैंक लाए, जो मेरी आईआईटी जेईई में रैंक आई थी उससे अच्छी रैंक लाए। इससे मुझे भी खुशी होगी कि मेरा कोई स्टूडेंट मुझसे अच्छी रैंक ला रहा है, इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं सिर्फ 2 बुक रिकमेंड करूँगा, पहली तो एनसीईआरटी है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। दूसरी बुक मैं रिकमेंड करूँगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय ओपी टंडन। अब इसमें थोड़ा डिबेट आ जाता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी के अलावा कोई बोलता है कि पढ़े ना, तो बात यह है कि अगर आप आईआईटी जेईई का सिलेबस देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो उसमें अगर आप पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बाद जो सल्फर वाले पार्ट है वहाँ पे देखेंगे गौर से तो वहाँ आपको दिखेगा कि एनसीईआरटी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स इंक्लूडेड हैं जैसे कलर ऑफ सल्फाइड्स, सब रिएक्शंस एक्स्ट्रा और कुछ कुछ रिएक्शंस हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन वो सिलेबस में मैंशनड है, तो आप वहाँ कहाँ से पढ़ेंगे, तो आप ओपी टंडन से पढ़ेंगे क्योंकि ओपी टंडन जो किताब है वो काफ़ी बहुत अच्छे से बनाई गई है और उसमें सारे रिएक्शन अवेलेबल हैं, इवन जो सिलेबस के बाहर के रिएक्शन है वो भी उसमें पूरे भरे पड़े हैं। और एक और ख़ास बात है ओपी टंडन की ये है कि उसके पीछे जो क्वेश्चन बैंक है वो बहुत ही अच्छा बना है। अगर आप ओपी टंडन खरीदेंगे तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ओपी टंडन का नया एडिशन खरीदें क्योंकि पुराने एडिशन तो मैंने कभी करके देखे नहीं है। मेरे पास जो लेटेस्ट एडिशन था 2015 तक का, 2015 मैंने आईआईटी जेईई दिया था, उस तक का जो लेटेस्ट एडिशन था उससे सॉल्व किया था। उसकी जो बैक एक्सरसाइज थी उसमें पुराने जो कॉन्सेप्ट होते हैं उस पर बेस क्वेश्चन पूछे गए थे, कॉन्सेप्ट नहीं कह सकते एक तरह से, रिएक्शंस। तो उससे क्या होगा ना, अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हैं हो सकता है आप 3-4 दिन बाद उसको भूल जाएं, लेकिन अगर आप क्वेश्चन करेंगे ना तो कहते हैं ना अगर आपको अपना दिमाग का विकास करना है तो ठोकरों से बढ़ेगा, बादाम खाने से नहीं। यहाँ पे भी वही चीज़ अप्लाई होती है कि अगर आप क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको ठोकरें लगेंगी, आपको याद आएगा अच्छा मैंने इसको यहाँ पे पढ़ा था, मुझे इसको यहाँ अप्लाई करना है। तो वो होगा क्या होगा कि आप क्वेश्चंस को अच्छे से कर पा रहे होंगे और वो वैसे ही क्वेश्चन आईआईटी जेईई में पूछे जाते हैं, बस उसको कॉम्प्रीहेंशन में डाल देते हैं। जेईई मेंस में तो डायरेक्टली एकदम बोलते हैं ना आप जो पढ़ेंगे उस आपसे डायरेक्टली पूछेंगे 4 ऑप्शन में देखे, और आईआईटी जेईई में होता है कि थोड़ा बहुत उस पर कॉम्प्रीहेंशन डालते हैं, पुरानी उसकी हिस्ट्री बता देंगे, बहुत कुछ बताएंगे, उसके बाद पूछने के क्वेश्चन होता वही है, रॉ फैक्ट भी क्वेश्चन पूछे होते हैं, बस घुमा घुमा के पूछते हैं। खैर इसमें भी मैं आगे वीडियो बनाने वाला हूँ, कई बच्चों ने मेरे से क्वेश्चन पूछे थे सर हमें क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे होते तो हम क्या करें, तो उसके लिए मैं साइड तरीका बताऊंगा आपको कि क्वेश्चंस को मतलब शॉर्ट करने का तरीका क्या। आगे वाले टाइम में वीडियो बना दूंगा ठीक है, जिसमें आप उसको ब्रेक डाउन कर पाएंगे, क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करने के बाद वो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। देन आगे जो मैं एक चीज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आपसे बताना चाहता हूँ वो ये है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 70% जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो कुछ चीज़ें अगर हम याद कर लें, कुछ लगभग 2-3 पेजेस की चीज़ें हैं जो कि उसके मैं वीडियो आने वाले टाइम में बनाऊंगा, उसी पे मेरा काम चल रहा है। मैं क्योंकि खुद एक स्टूडेंट हूँ, मेरे को टाइम मैनेज करना पड़ता है, उसी टाइम में मैं इन सब चीज़ों पे काम करता हूँ, तो मैं धीरे धीरे इस पर स्टडी मटेरियल बना रहा हूँ। रफली मेरे को लगता है कि जनवरी तक ये चीज़ें आ जाएंगी, उन चीज़ों को मैं लिस्ट डाउन कर दूंगा जिन्हें आपको याद करना है। उसके बाद लगभग आप 70% जो इनऑर्गेनिक का पूरा कंटेंट है उसको याद रख पाएंगे, जो रेस्ट 30% बचता है ना। अब इस 70% जो क्वेश्चन आते हैं ना वो रफली इनऑर्गेनिक के 40 to 60% होते हैं। रेस्ट 40% के लिए आपको जो बचा हुआ 30% है उसको पढ़ना पड़ेगा। तो ये इसमें तो सीधी सीधी बात है, आपको जो सिलेबस है उसी को पढ़ना है, सिलेबस के अलावा कुछ उल्टा सीधा कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है आपको पढ़ने का अगर आपका अल्टीमेट एम है IIT जाना। अगर आपको ओलम्पियड्स क्लियर करने हैं तो मैं कह सकता हूँ सॉरी दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू। मैं आपके लिए, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप और किसी अच्छे टीचर से बात कर लें इस बारे में, वो आपको ओलम्पियाड्स के लिए अच्छी अच्छी किताबें बता देंगे। क्योंकि ओलम्पियाड्स जब मैं भी देता था तो मेरा बेस ये रहता था कि जो IIT JEE में था मैंने उसी को लेके ओलम्पियाड क्लियर कर लिया था। ओके, तो 30% क्लियर करने के लिए आपको NCERT और बाकी चीज़ पढ़नी पड़ेगी, और हेंस आपका इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक, केमिस्ट्री पूरा क्लियर हो जाएगा। सो ये तो केमिस्ट्री के बारे में था। बहुत जल्द मैंने फैकल्टीज आपस में बात हो चुकी है कि हम फिज़िक्स के लिए भी बना देंगे वीडियो, बहुत जल्द फिज़िक्स के लिए भी आ जाएगा और मैथमेटिक्स के लिए भी आ जाएगा। सो हियर वी कंक्लूड दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका ही फ़ायदा होगा कि जब वीडियोस आएंगे आपको थोड़ा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और लाइक से मेरा फ़ायदा होगा, मुझे थोड़ी खुशी होगी कि मैंने इतना जो बोला उसका मुझे एक अच्छा परिणाम मिला। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।